हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वीना सिंह आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक फोर इन इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जाम व्हिच इज़ कंडक्टेड बाय यूपीएससी. इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न द रिसोर्स व्हिच आई हैव यूज द स्ट्रेटजीज ऑफ माय एग्जामिनेशन एंड द वॉट मिस्टेक्स वी शुड अवॉइड वॉट आई हैव लर्न इन माई प्रिपरेशन जर्नी इसके पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगी मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ मेरी स्कूलिंग आनंद भवन हाई स्कूल एंड एम आर एल बी बाराबंकी से हुई है मेरा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से स्टैटिस्टिक्स में कंप्लीट हुआ है प्रेजेंटली मैं एज अ प्रोबेशनरी डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ इसके पहले मैं डेली गवर्नमेंट में एज अ स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट डायरेक्ट्रेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स में पोस्टेड थी अब मैं आई एग्ज़ाम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगी ये एग्ज़ाम दो स्टेजेस में कंडक्ट होता है फर्स्ट स्टेज इज़ रिलेटेड टू द रिटर्न एग्जाम विच कैरीज थाउजेंड मार्क्स एंड सेकेंड स्टेज इज़ रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी टेस्ट विच कैरीज़ टू हंड्रेड मार्क्स जो रिटर्न एग्जाम में हमारे सिक्स पेपर्स होते हैं जो कॉन्टिनुअस थ्री डेज तक चलते हैं फर्स्ट डे हमारा जी और इंग्लिश का पेपर होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है सेकेंड डे हमारा स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट एंड सेकेंड का पेपर होता है जो कि ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है और थर्ड डे हमारे स्टैटिस्टिक्स थर्ड एंड फोर्थ का पेपर होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है

जोग्राफ़ी के लिए मैंने एलेवंथ एंड ट्वेल्थ की एन को फॉलो किया था पॉलिटी के लिए मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करके हमारी लक्ष्मीकांत के सेलेक्टेड चैप्टर्स को जैसे फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था बाकी इकॉनमी एंड करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन आई की मंथली मैगज़ीन को फॉलो किया हुआ था अब मैं अपनी जो मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्या किया था इसलिए आपसे शेयर करना चाहूँगी जीएस के लिए तो उसके लिए मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की सॉल्व आई के क्वेश्चन पेपर की बुक को फॉलो किया था कई बार आई में आए हुए जो क्वेश्चन होते हैं वो जीएस पेपर में डायरेक्टली हमारे पूछ लिए जाते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है अब मैं आपसे इंग्लिश में मैंने क्या रिसोर्सेज यूज़ किए थे वो डिस्कस करना चाहूँगी तो क्योंकि हमारा इंग्लिश पेपर में जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है वो वो काफ़ी मार्क्स कैरी करता है और काफ़ी स्कोरिंग होता है तो उसके लिए मैंने नीतू सिंह की प्लिन टू पैरामाउंट की बुक को फॉलो किया था उसके वॉल्यूम वन को फॉलो किया था और बाकी मैंने पैराग्राफ राइटिंग के लिए एस पी की बुक को रिफ़र किया था और प्रेसिस राइटिंग के लिए मैंने जो प्रीवियस ईयर्स में प्रसीस पूछे गए थे उन्हीं को अच्छे से सॉल्व करके फ्रेंड्स से ही चेक करा लिया था और उसमें इम्प्रूवमेंट किया था बाकी मैंने एस के लिए जो कुछ स्टैटिक टॉपिक थे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे विमेन एजुकेशन हेल्थ चाइल्ड वेलफेयर एंड चाइल्ड लेबर इससे रिलेटेड एक्सेट्रा जो भी टॉपिक थे इससे रिलेटेड टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रिपेयर कर लिए थे और कोर्ट्स भी तैयार कर लिया था उसका इंट्रोडक्शन कंक्लूज़न कैसा होना चाहिए एक फ्लो चार्ट पूरा तैयार कर लिया था और जो हमारे इस एस से रिलेटेड डायनमिक टॉपिक्स थे तो उसके लिए मैंने करंट अफेयर्स को भी फॉलो किया था उसके लिए मैंने रिजन आई की मंथली मैगजीन को फॉलो किया था और मैं न्यूज़पेपर को फॉलो करती थी अब मैं अपने स्टैटिस्टिक्स पेपर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ कि उसमें मैंने क्या रिसोर्स यूज़ किए थे स्टैटिस्टिक्स पेपर फर्स्ट में तीन सेक्शन होते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होते हैं और नोमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड तो स्टैटिस्टिकल मैथड्स एंड प्रोबलिटी के लिए मैंने अपनी गून गुप्ता दास गुप्ता की बुक और वी के रोहतगी एंड गुप्ता एंड कपूर की मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की बुक को फॉलो किया था और अगर हम लोग गुप्ता कपूर की मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की बुक को अच्छे से प्रिपेयर कर लें तभी इस पेपर इस पोर्शन काफ़ी हद तक हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं और अब मैं डिस्कस करना चाहती हूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस जिसके लिए मैंने गुप्ता एंड मलिक की अपनी बीएससी की बुक को ही फॉलो किया हुआ था और कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए मैंने यूट्यूब के वीडियोज़ की हेल्प ली थी उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए तो कंप्यूटर फंडास एक चैनल है उसके वीडियोस की मैंने हेल्प ली थी और बाकी मैंने जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स थे उनके टॉपिक्स को ही सर्च कर लिया था और जो टॉपिक्स अननोन थे उनको सर्च करके नोट्स बना लिया था उसी से काफ़ी हद तक पेपर कवर हो गया था अब मैं स्टैटिस्टिक्स पेपर सेकेंड के रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ स्टैटिस्टिक्स पेपर सेकेंड में मेनली तीन सेक्शन होते हैं Uh, जो हमारे रिलेटेड होते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस और लीनियर मॉडल और बाकी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स तो मैंने स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस के लिए गुणगुप्ता दासगुप्ता और वी के रोहतगी एंड गुप्ता एंड कपूर की मैथमेटिकल uh, स्टैटिस्टिक्स की बुक को फॉलो किया था बाकी लीनियर मॉडल के लिए मैंने इकोनोमेट्रिक्स की दामोदर एंड गुजराती की बुक के जो शुरू के टेन चैप्टर थे उसको प्रिपेयर कर लिया था बाकी मैंने सल्ले की बुक को भी से, सेलेक्टिवली रेफर किया हुआ था और जो एनोवा से रिलेटेड टॉपिक थे तो उसके लिए मैंने गोन गुप्ता गुप्ता और हमारी गुप्ता एंड कपूर की अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बुक को फॉलो किया हुआ था बाकी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे उसको अच्छे से एनालाइज़ करके मोस्फी की वेबसाइट को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था उसमें मेजरली अबाउट एस पोर्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था और बाकी जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो करंट टॉपिक्स हो रहे हैं उनको अच्छे से मैं देख लेती थी और बाकी तो जो टॉपिक्स क्वेश्चन पेपर में थे बट मोस्फी की वेबसाइट में नहीं थे तो उसको सर्च करके अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था और बेसिक इकोनमी जैसे कि जी इन्फ्लेशन इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को भी कवर कर लिया था क्योंकि क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर में काफ़ी हद तक इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल अब मैं डिस्कस करना चाहती हूँ अपना स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिक्स पेपर थर्ड उनके रिसोर्सेज तो स्टैटिस्टिक्स पेपर थर्ड उसमें भी मेजरली तीन सेक्शन होते हैं जो हमारी सैम्पलिंग टेक्निक और इकोनोमेट्रिक्स और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होते हैं तो सैम्पलिंग टेक्निक के लिए मैंने अपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर किया था बाकी मैंने गुप्ता कपूर की अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बुक से क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे और सुखात्मे की बुक से भी सेलेक्टिवली टॉपिक्स uh, कुछ पढ़े हुए थे और अब इकोनोमेट्रिक्स के लिए मैंने दामोदर एंड गुजराती की बुक को अच्छे से फॉलो किया हुआ था और बाकी एनपीटीएल पे शरद सर के नोट्स से भी काफ़ी हेल्प मुझे मिल गई थी और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने गुप्तान कपूर की अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बुक को फॉलो किया हुआ था और बाकी जो उसमें एडवांस टाइम सीरीज का कुछ पोर्शन पूछा जाता है तो उसके लिए मैंने नीरज अवस्थी सर के नोट्स को ही कंप्लीटली फॉलो किया हुआ था नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द रिसोर्सेज विच आई हैव यूज इन स्टैटिस्टिक्स पेपर फोर्थ तो स्टैटिस्टिक्स पेपर फोर में सेवन सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हमें कोई दो ऑप्ट करने होते हैं तो मैंने मल्टीवेरिएट एनालिसिस एंड डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स को रिफ़र किया को फॉलो किया हुआ था ये ऑप्ट कि, किया सब्जेक्ट था मेरा तो डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स के लिए ए, मैंने गुप्ता एंड कपूर की अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बुक को और गुण गुप्ता एंड दास गुप्ता की बुक को रिफ़र किया हुआ था और बाकी मैंने माइग्रेशन के टॉपिक के लिए जिंगन को रिफ़र किया हुआ था और मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए मैंने एंडरसन की बुक और साथ में मैंने जॉनसन एंड जॉनसन की बुक को फॉलो किए हुआ था अब हम आते हैं हमारे सेकेंड स्टेज जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट से रिलेटेड होता है पर्सनैलिटी टेस्ट होता है तो इसमें हमारे डैफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड टर्म्स पूछे जाते हैं और हमें न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से फॉलो करना होता है तो जैसा कि नेम सजेस्ट करता है ये पर्सनैलिटी टेस्ट है तो हमें इस क्वेश्चंस का अगर हम आंसर नहीं भी दे पा रहे हैं कुछ तो उसमें हमें बहुत नर्वस नहीं होना चाहिए अपने आप को काम रखना चाहिए अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैंने क्या स्ट्रेटजी यूज़ की और कौन सी मिस्टेक्स की या कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए उनके बारे में डिस्कशन तो सबसे पहले आ, मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी हमें किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए और इस एग्ज़ाम के लिए आ, अपने जो सेलेबस है उसको अच्छे से रीड कर लेना चाहिए थॉरोली पढ़ लेना चाहिए और आ, बाकी हमें क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लेना चाहिए बाकी इसमें हमें इंग्लिश और जीएस को इग्नोर नहीं करना चाहिए इससे हम क्वालिफाई तो होते ही हैं और साथ में अदर स्टूडेंट से एच बना सकते हैं और बाकी हमें टाइम मेंटेन करने के लिए कि हम लोग विद इन टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ तो टाइमर लगा के आईएसएस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को ही सॉल्व करना चाहिए बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए हमें जो अदर एग्ज़ाम्स में है जिसमें ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको प्रिपेयर करना चाहिए जैसे आई आई टी जैम गेट और नेट से रिलेटेड या स्टेट के स्टैटिस्टिकल जो भी एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को मतलब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको हमें सॉल्व करना चाहिए टाइम लिमिट में बाकी जैसे कि हम जानते हैं कि ये पेपर कॉन्टीन्यूस थ्री डेज़ का होता है तो हमारे पास रिवीजन का टाइम बहुत कम होता है और रिवीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो हमें लास्ट टाइम के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेने चाहिए कि हम लोग थोड़ा जल्दी अपना रिवाइज कर पाएँ और बाकी हमें अपने आप को काम रखना चाहिए हमें प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए जिससे कि अगर हमने टॉपिक्स रिवाइव नहीं भी किए हुए हैं तो उस हम अपने आप को इफेक्टिवली एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट कर पाएँ मैं ये कहना चाहूँगी कि जब एग्ज़ाम हमारा कंटिन्यूस चल रहा होता है तो उन तीन दिनों में हमें जो भी पेपर हम दे चुके होते हैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि एक पेपर की परफॉर्मेंस दूसरे पेपर को काफ़ी हमारे इफेक्ट कर देती है तो डिस्कशन बिल्कुल नहीं पेपर के बाद हमें डिस्कशन करना चाहिए और जो नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी तो मैं कहती हूँ मैं कहना चाहती हूँ कि हमें अदर एग्ज़ाम्स को भी देना चाहिए जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हैं जिससे कि हम प्रेशर भी हैंडल करने में हेल्प मिलती है और हमें एक बैकअप प्लान भी तैयार होता है और कि जब तक हम लोग एम्प्लॉयड ना हो जाएं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अदर एग्ज़ाम्स को भी फोकस करें और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए जैसे कि मेरा लास्ट ईयर में 2020 का पर्सनालिटी टेस्ट 19 जुलाई में था और जो रिटर्न एग्ज़ाम था 2021 का वो 16, 17 और 18 जुलाई में शेड्यूल था कई लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया कि ये मुझे एग्ज़ाम को ड्रॉप कर देना चाहिए और इंटरव्यू पे फोकस करना चाहिए बट मैंने ऐसा नहीं किया और फ़ाइनली मेरा सिलेक्शन इस साल हुआ तो हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि ये मेरा फोर्थ पर्सनालिटी टेस्ट है और लगभग हर बार मुझे पर्सनालिटी टेस्ट में अपियर होने की चांस मिली बट मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया तो हमें गिवअप नहीं करना चाहिए हमें अपने आप पर हमेशा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए तो जिससे कि हम फ्यूचर में एक चांस बनी रहती है हम कुछ कर पाने की एट द लास्ट आई एम वेरी थैंकफुल टू द डेली नॉलेज ट्रैक फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेटजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म